बता रहा हूं आपको मैग्नेट के बारे में बता रहा हूं। मैग्नेट है क्या, मैग्नेट का इफेक्ट क्या होता है, मैग्नेट को कितने नामों से जाना जाता है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आखिर मैग्नेट का प्रॉपर्टीज क्या है ना, मैग्नेट का गुण क्या है। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेट के बारे में जान गए, मैग्नेट का आविष्कार किसने किया था, उसके बारे में किसने बताया था, ये सब बातें जान गए। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। आखिर क्या है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र, चलिए जानते हैं और सीखते हैं। नाम से ही डिफिनेशन दोस्तों, नाम ही है मैग्नेटिक फील्ड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यदि आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड किसे कहते हैं, एक लाइन का डिफिनेशन दीजिए कि ऐसा फील्ड, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण उसमें आकर्षण या विकर्षण का बल लगता है, उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र। सीधी भाषा में समझो, सीधी भाषा देखो, विद्युतीय बल के कारण विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में कौन सा बल लगता है, विद्युतीय बल लगता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों कि चुंबकीय बल के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा बल लगता है दोस्तों, विद्युतीय सॉरी चुंबकीय बल लगता है दोस्तों। इसका मतलब यदि आपसे कोई पूछे दोस्तों क्या फिर चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, एक लाइन का डेफिनेशन देंगे दोस्तों। क्या देंगे कि मान लीजिए यदि आपसे कोई पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, सीधे बोले कि किसी चुंबक के, ध्यान सुनना है सिर्फ समझना है, कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या बोलेंगे दोस्तों, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, कितना बोलोगे, जिसमें किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर, मतलब चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, उस पर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण उसमें आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों का। यदि आपसे पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र किससे कहते हैं, तो वो सिंपल बोलो कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, इतना बोलने में कोई दिक्कत हुआ, क्या बोलेंगे, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, जिसके कारण उसमें आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, लिख लीजिए, हेडिंग दीजिए चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, देखिए डैश दोस्तों। लिखिए किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, चुंबकीय पदार्थ पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, जिससे उस पदार्थ में आकर्षण या विकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नीचे लाइन से लिखो दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, नीचे लाइन लिखिएगा स्टार करके, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में ठहरता है,
एक निश्चित दिशा में ठहरता है। देख लीजिए निचल लिखिए, यह दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। चलिए अब दोस्तों एक नया टॉपिक सीखेंगे, अब एक नया टॉपिक सीखेंगे, जानते हैं क्या, देखिए समझिएगा। चुंबकीय क्षेत्र सीख गए, अब जानेंगे चुंबकीय बल रेखा। सीखिएगा चुंबकीय बल रेखा, इंग्लिश नाम है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, शॉर्ट नेम MLF, चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब इसको आज बड़ा बेहतरीन टॉपिक दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ टॉपिक दोस्तों, अब इसको सिर्फ याद करते हैं, पहले याद कर लेंगे फिर लिखेंगे दोस्तों, ठीक ना, फिर इसका फिगर भी बनाएंगे, पहले याद कर लें आप लोग। यदि आप सबसे पूछा कि चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, एक लाइन में डिफिनेशन कीजिए, क्या बोलिएगा, देखिए ध्यान से, यह लगातार, याद कीजिए आप लोग विद्युतीय बल रेखा को, आप लोगों को जैसे हम बताए थे विद्युतीय बल रेखा सेम वही डिफिनेशन है चुंबकीय बल रेखा में, लेकिन एक चीज का अंतर हो जाता है दोस्तों, जानते हो क्या चीज का अंतर होता है, कि विद्युतीय बल रेखा में आवेश का गमन होता है और चुंबकीय बल रेखा में आवेश का गमन नहीं होता है दोस्तों, है ना, यहाँ वहां पर प्लस आवेश और माइनस आवेश होता है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है दोस्तों। यदि आपसे पूछे कि चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं, देखिए आप क्या बोलेंगे, ध्यान सुनिए क्या बोलेंगे, आप कहिएगा यह लगातार वक्र रेखा है, कंप्लीट, क्या बोलेंगे, यह लगातार वक्र रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। वही चीज है, वहां बोलते थे धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती है, या ऋण आवेश से निकलकर धन आवेश की ओर जाती है, यहां बोलते हैं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, तथा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, क्या बोले दोस्तों, तथा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की परिणामी चुंबकीय तीव्रता बतलाती है, उसे उस बिंदु का चुंबकीय बल रेखा कहते हैं, कंप्लीट, एक बार फिर से रिपीट करते दोस्तों, क्या बोलेंगे, यह लगातार वक्र रेखा है, कंप्लीट, इट इज कंटिन्यूअस कर्व लाइंस, है ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं दोस्तों, ये कर्व लाइंस है, तो यह लगातार वक्र रेखा है जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, तथा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की परिणामी चुंबकीय तीव्रता बतलाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा कहते हैं, है ना, कंप्लीट हो गया, चुंबकीय बल रेखा याद हो गया सब लोग को, सब लोग कंफर्म याद हो गया ना, एक बार फिर सब फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यह लगातार वक्र रेखा कहां से निकलती है, जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, तथा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की परिणामी चुंबकीय तीव्रता बतलाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, चुंबकीय बल रेखा। चलिए आप लोग हेडिंग के पहले फिगर बनाते हैं दोस्तों, आप लोग हेडिंग दे चुके हैं तो हम एक फिगर बनाते हैं, अब इस फिगर को समझेंगे, देखिए दोस्तों देखिए ये M है और ये क्या है S, समझेंगे फिगर को, फिगर को सब लोग समझेंगे, ये N और ये S है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, लगातार लगातार निकलते जा रहे हैं, देख रहे हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलकर कहां जा रही है, दक्षिणी ध्रुव की ओर जा रही है, ना, इधर से निकल रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां और डायरेक्शन दिखा सकते हैं, चलिए
तो फिगर हो गया। अब आप इसको लिख लीजिए, है ना, लिख लीजिए। आप लोग हेडिंग दे दिए हैं चुंबकीय बल रेखा, लिखिए। यह लगातार वक्र रेखा है, यह लगातार वक्र रेखा है जो जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, जो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, तथा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की परिणामी चुंबकीय तीव्रता बतलाती है, चुंबकीय तीव्रता बतलाती है। इसे ही चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। चलिए आपने फिगर बता दें दोस्तों, आपने फिगर बता दें। अब जानते हैं इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता चुंबकीय बल रेखा की विशेषता हम जानते हैं, चुंबकीय बल रेखा की विशेषता। देखेंगे दोस्तों चुंबकीय बल रेखा की विशेषता, ठीक है, याद कर लीजिए। पहले याद कर लीजिए, पहला बोलिए दोस्तों चुंबकीय बल रेखा, पहला बोलेगा चुंबकीय बल रेखा एक लगातार वक्र रेखा होता है, मतलब पहला बोलेंगे यह लगातार वक्र रेखा है, याद हो गया सब लोग को। पहला क्या बोलेंगे, यह लगातार वक्र रेखा है। दूसरा क्या बोलेंगे, यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। दो याद हो गया सब लोग को, दो याद हुआ। पहला क्या बोलेंगे, यह लगातार वक्र रेखा है। दूसरा क्या बोलेंगे, यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। तीसरा क्या बोलेंगे, सबसे इंपोर्टेंट तीसरा क्या बोलेंगे कि इसकी संकक्ष गिने हो जो निकल रहे गिने उसके दो है जितनी चाहे होते हैं इन्फाइनाइट का क्या अनंत है, तो इसकी संख्या चुंबकीय बल रेखा की संख्या अनंत होती है। तीन याद हो गया, तीन याद हुआ। फर्स्ट क्या बोलेंगे, यह लगातार वक्र रेखा है। सेकंड क्या बोलेंगे, यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। थर्ड क्या बोलेंगे, इसकी संख्या अनंत होती है। और फोर्थ क्या बोलेंगे, यह कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। यदि आपसे पूछे ऑब्जेक्टिव में क्या चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, आंसर क्या मिलता दोस्तों, नहीं, चुंबकीय बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है दोस्तों, उससे आंसर अच्छा मान लो ना ये इधर से निकल रहा है ना, ये इधर से, यदि यहां से भी एक निकले तब यहां से एक निकला, यहां से एक निकला बीच में दे दिन कट, यहां से एक निकला, यहां से एक निकला बीच में कट, तब ना कट होगा। लेकिन मतलब यदि रेखाएं दोनों दिशाओं से निकलना प्रारंभ कर दे
तब कट होगा, अन्यथा कट नहीं होगा। अर्थात कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। यदि आपसे पूछे क्या चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, तो आंसर क्या बोलेंगे, नहीं, चुंबकीय बल रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो कितनी विशेषता होंगे दोस्तों, चार। पहला क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्या बोलेंगे, याद है आप लोगों को, यह लगातार वक्र रेखा है। सेकंड क्या बोलेंगे, यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। थर्ड क्या बोलेंगे कि इसकी संख्या अनंत होती है और यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। लिख लीजिए, चुंबकीय बल रेखा की विशेषता देखें ऐसे, चुंबकीय बल रेखा की विशेषता देखें ऐसे, और आप जोड़ सकते हैं कि ये काल्पनिक रेखा भी दोस्तों दिखाई नहीं पड़ता है, काल्पनिक है, इसको भी लिख लीजिए। नंबर दूसरा, ये रेखाएं काल्पनिक होती है, पता नहीं चलता दोस्तों, दिखाई नहीं पड़ता। ये रेखाएं काल्पनिक होती है। नंबर तीसरा, यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। यह उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। पांचवा, ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। नीचे कुछ कॉन्सेप्ट लिख दीजिए दोस्तों, दो तीन को मेन मेन कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट लिखाएंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है वह एक दूसरे को क्यों नहीं प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करेगी तो एक से अधिक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जो संभव नहीं है। एक से अधिक स्पर्श रेखाएं संभव नहीं है। यदि प्रतिच्छेद करेगा तो एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो संभव नहीं है। तो लिख लीजिए, आपको अंतर लिखा दे रहे, लिखिए, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो उस बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। अर्थात उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की एक से अधिक दिशाएं होंगी।
जो असंभव है, जो असंभव है। चलिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ और एक और लिख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। लिखिए चुंबक के ध्रुवों के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है। चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है। ध्रुवों से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती है। फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप चुंबकीय बल रेखाएं भी एक दूसरे से दूर हो जाती है। चलिए दोस्तों, इसको याद कीजिए, समझिए।